Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Yawar Abbas. I hope you all will be fine. Today we'll start 10th class math unit 2. Exercise 2.1 continue करेंगे हमने जिसके कुछ questions किए थे question number 4 तक हम लोगों ने solve किए थे. आज question number 5 से start करेंगे. Discriminant वाला chapter use करेंगे. Formula use हो रहा है और quadratic वाला chapter है क्योंकि quadratic equation. तो लाइक स्टार्ट करने से पहले आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक्स कीजिएगा और उसके साथ साथ कोई भी क्यूरी हो आपकी वीडियो रिलेटेड लेक्चर रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कमेंट्स में आप बता सकते हैं हमें. तो मोर अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा. तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 के अगर आप स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में उसने ये कहा होगा आपको कि शो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. कि शो करें इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 प्लस एम स्क्वायर. कि अगर ये कंडीशन हो ए सी स्क्वायर की वैल्यू से इक्वल हो तो शो करें इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है. इट मींस रूट्स इक्वल कब होंगे जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का किसके इक्वल आएगा 0 के. तो अब इक्वेशन पहले देखते हैं. इक्वेशन आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 की x स्क्वायर प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर mx plus c का whole square and equal to a square. ठीक है. And if c square is equal to a square into 1 plus m square. कि अगर c square इसके equal हो तो show करें कि इस equation के roots क्या है equal, has equal roots. ठीक है. तो अब उसके लिए सबसे पहले हमें इसको expand करके quadratic equation में बदलना पड़ेगा. तो देखें x square plus m square x square plus c square plus 2mcx is equal minus a square is equal to 0. a square को इधर में ले आया 0 बटा a इक्वल कर लिया. ठीक है. अब अगर आप देखें तो x square common 1 plus m square into x square plus 2mcx minus c plus c square minus a square. अब आपको जब आपके पास वैल्यूज आ रही हैं इधर फिर भी मैं आपको लिख के बताता हूं कि a is equal to 1 plus m square and d is equal to 2mc and c is equal to c square minus a square. So find out करते हैं discriminant is equal to b square minus 4ac we now add. So b की value 2mc का whole square minus 4 into a की value 1 plus m square and c की value c square minus a square. Simplification 4m square c square minus 4. अब इसको multiply करने लगा हूँ c square minus a square plus m square c square and minus a square m square. Okay? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4m square c square minus 4. अब इसको थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई करके लिख सकता हूँ. कैसे लिख सकता हूँ कि आप लिखें कि c square into 1 plus c square into m square plus m square c square minus a square minus a square m square. तो यहाँ पे अगर आप देखें ये आ गया 4m square c square minus 4 c square plus m square c square minus a square. मैं कॉमन निकालता हूँ अंदर से बाकी आ गया 1 plus m square. ठीक है. तो 4m square c square minus 4 c square plus m square c square minus. अब अगर ये वाली वैल्यू देखें आप a square 1 plus m square a square 1 plus m square किसके इक्वल दिया हुआ c square के. तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ c स्क्वायर. तो अब यहाँ पे अगर आप देखें ये c स्क्वायर से कटिंग होगी तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर. तो अब ये कटिंग हो जाएंगे किसके इक्वल आ जाएंगे 0. इट मींस दैट डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 हो गया. तो प्रूफ हो गया हमारे पास कि इस वैल्यू पे इसके रूट जो है वो आपके पास क्या आते हैं इक्वल. क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इस वैल्यू पे रूट्स क्या होंगे इक्वल. ओके अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इससे चेंज है. उसमें उसने ये कहा आपको कि फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल. की कंडीशन फाइंड करें जिस पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे इक्वल होंगे. तो सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं आपकी mx + c का होल स्क्वायर mx + c का होल स्क्वायर - 4ax = 0 माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो रूट्स इक्वल कंडीशन फाइंड करें. तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं. तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स माइनस फोर ए एक्स इक्वल टू
0, तो m स्क्वायर x के इसमें से अगर मैं 2x का कॉमन निकाल देता हूं तो बाकी रहेगा एम सी माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर रूट इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू क्या आपके पास आ रही है 2 इंटू एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे अगर आप देखें कि आपके पास इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 ए एम सी माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई किया 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 फॉर द 16 ए स्क्वायर माइनस 4 फॉर द 16 ए एम सी माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कटिंग होगी, यहां पे देखें 16 ए स्क्वायर माइनस 16 ए एम सी इक्वल टू 0। तो अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 16 ए अगर हम कॉमन निकालें ए माइनस MC is equal to 0, तो दो पे 16 is equal to 16A equal to 0 and A minus MC equal to 0, तो A की 0 and अगर यहां से देखें A की value MC, यानी कि ये दो condition है जिसमें आप लोगों की जो इसके roots होंगे वो क्या होंगे, equal होंगे। इन दो condition पर आप लोगों के इस equation के roots क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब वो दो कंडीशन आप लोगों के पास कौन कौन सी है, एक a इज इक्वल टू mc और एक आप लोगों के पास क्या नाम है, a इज इक्वल टू 0। 0 पे तो आप दिखा सकते हैं a इज इक्वल टू mc वो कंडीशन है जिस पे इसके रूट्स क्या होंगे। देखें यहां पे अगर आप वैल्यू पुट करते हैं a की वैल्यू mc mc minus mc 0 0 into 0 इक्वल टू 0 ही आएगा, इसमें क्या आपके रूट्स क्या है, इक्वल है इस कंडीशन पे। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चन देख के बनाना नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है इसके साथ साथ। तो देखिए इसमें भी आपको यही काम का होगा उसने कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ये आपका इक्वेशन है आर इक्वल देन ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यानी कि अगर आपका ये इक्वेशन और उसके रूट्स इक्वल हो तो ये वैल्यू इनके इक्वल आपने निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, अब इसकी इक्वेशन सबसे पहले हम लिखेंगे, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स के सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स के प्लस माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी ये एक्स की वैल्यू है और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, ये रूट्स है, ये सॉरी इक्वेशन है। अब उसके क्या रूट्स इक्वल हो, रूट्स आर इक्वल तो देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, इट्स मींस दैट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो अब माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए बी और इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी। यहाँ पे एक चीज ध्यान से आप समझ लें कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बड़े प्यार से आपने करनी है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए यहाँ पे बार का ऑप्शन किया 4 इंटू ए की 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, ओके। यहाँ से अगर आप देखिए माइनस 4 तो ये मल्टीप्लाई आप करने लगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब और माइनस ए बी क्यूब और प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब मजीद अगर आप देखें यहां पे थोड़ा सा कि आपके पास ये वैल्यू कुछ आ रही है ए की 4 हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब अगर आप इसमें से 4 कॉमन निकाल दें यहां पे तो अंदर वैल्यू बचेगी ए की 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, 4 मैंने बाहर लिख लिया कॉमन, और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब और प्लस माइनस माइनस
a square bc equal to 0. ये जो 4 है ये उधर जाके क्या देगा, खत्म हो जाएगा डिवाइड होके। अब आपके वैल्यूज अगर आप देखें, वैल्यूज आप किस तरह कॉमन निकालेंगे, पहले तो आप देखते हैं वैल्यू कटिंग हो रही है, बी स्केयर सी स्केयर से कट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कि ये हमारे पास रह गया ए 4, देन 2 ए स्केयर बी सी और ए स्केयर बी सी माइनस 3 ए स्केयर बी सी ए सी क्यू बी इसी तरह, और बाकी हमारे पास रह गया ए बी क्यू बी इसी तरह बढ़ो 0। अब इन सब में से एक ही चीज कॉमन आ रही है, कौन सी, a, a कॉमन, a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस d क्यूब इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, दो फैक्टर आ गए, a इक्वल टू 0 एंड a क्यूब माइनस 3abc प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 0 एंड देन यहां पे अगर हमें प्रूव करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, तो ये यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट, तो यहां पे आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्या आपका हो गया क्वेश्चन, आपका हो गया प्रूव। तो देखें यहां पे अगेन आप एक दफा इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, तो देखिए सबसे पहले इधर रूट्स आर इक्वल डिस्क्रिप्टेड इक्वल टू बीच के मैंने 4 ac b स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b c का हो चुके माइनस 4 c स्क्वायर माइनस a b एंड b स्क्वायर माइनस a c फॉर्मूला अपन किया 4 a 4 b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर b c और यहां पे इसको बढ़ा दिया गया b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a c क्यूब माइनस a b क्यूब a स्क्वायर b c। यहां पे सामने का ये था 4 कॉमन ले लिया, जब 4 कॉमन लिया एज इट इज 13 मिली वैल्यू की a कॉमन a = 0 a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - a b c = 3abc आ गया, तो इस पे रूट्स इसके क्या होंगे इक्वल। तो ये आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट किए, इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आते होंगे, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल लाजमी आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़।